Mrs. Mukherjee, good morning. कैसी हैं आप? I'm fine. So excited? आपको मेरी excitement मेरी आवाज में feel नहीं हो रही? सुनो रोहन, please be there at 10:45. मैं time पर पहुंच जाऊंगा. Please don't worry. Okay. लेकिन मिसेज मुखर्जी अगर आप होती तो अच्छा होता. मतलब आपने ये सब सेट किया तो मैं सोच रहा था कि if you can meet it, it'll be really nice. You, रोहन, लड़की से डर लग रहा है? झूठ बोलूं तो नहीं, सच बोलूं तो थोड़ा थोड़ा. आई मीन पहली बार है तो आई फील दैट्स व्हाई. अच्छा रोहन, तुम्हारे साथ कोई जा रहा है ना? हाँ हाँ, वो है ना अपना वन एंड ओनली जफर. ओके, गुड. ऑल द बेस्ट देन. यस मिसेस मुखर्जी, थैंक यू. आई सी यू. बाय. परसी क्या हुआ, उतर गई चेन फिर से? हाँ. अरे यार, तेरी पुरानी साइकिल में नया ट्विस्ट आने वाला ही नहीं. हाँ. अब क्या करें? करके दो ना ठीक. और अपने पापा को बोल नई साइकिल खरीदे दे. अब रोहन अंकल, आपको तो पता है ना मेरे पापा, उन्होंने अपने पापा की विंटेज लैम्बोर्गिनी चेन देखी. मेरी साइकिल क्या करने वाली है? टिपिकल पारसी है तेरे पापा. बाइक बाइक उठा. और अब सीख ले ये यार. हाँ. इतनी बार करके दिखाया करके. चलो लेट्स टेस्ट. ऑल सेट. यस यस, थैंक्स रोहन. वाओ, यू आर द बेस्ट. एक बात बता. हाँ? तू साइकिल कैसे चला लेता यार? विश्वास और कॉन्फिडेंस. जब ये दो तुम्हारे साथ हो ना तो रास्तों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती. याद रख. अरे पापा जी, गुड मॉर्निंग सारिस भाई. अरे यार डिकरा, तुम बिना देखे रोज कैसे पकड़ लेता है? सबका कोड फिट किया है क्या नाक में? हाँ, सल्ली बोटी सारिस भाई, आपका कोड. सी परसी, शाम को मिलते हैं. सल्ली बोटी. क्या हुआ दिखी? तो गोरा ही, वो तो तेरे से भी गोरी है. तुम दोनों के बच्चे इंडिया के लगेंगे नहीं. पता ना मुझे. चल हेलो. हाय हाय, आई एम रोहन भटनागर. सॉरी आई एम लेट. इट्स ऑलराइट. ये सुप्रिया है, सुप्रिया शर्मा. हाय. मैं गीता सान्याल. हेलो. रोहन और सुप्रिया यहाँ, मैं और आप वहाँ बैठेंगे तो बेटर रहेगा. यहाँ की पापा जी बहुत फेमस है. रोहन, तेरे लिए एक्स्ट्रा दो पाव बोल दो ना. नहीं, मैं बैठा. भाभी, आपके लिए पापा जी बोलता हूँ, आप चलिए ना. आई एम सो सॉरी. ये जफर ना कभी कभी कुछ भी बोल देता है. आई होप यू डोंट माइंड. इट्स ऑलराइट. तो वैसे मिसेस मुखर्जी, जब भी आपके बारे में कुछ भी बोलती है तो तारीफ से शुरू करती है और तारीफ पे ख़त्म करती है. उन्होंने मेरे बारे में कुछ बताया? इतना कि आपके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकती, अगर शादी करना चाहती तो. मतलब? मिसेस मुखर्जी के बहुत एहसान है मुझ पर. उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आई. एक्चुअली मैं कभी शादी करना ही नहीं चाहती. आप प्लीज मना कर दीजिए, कुछ भी कह दीजिए. जैसे? जैसे मैं आपको पसंद नहीं आई. मतलब ना चाहते हुए भी झूठ बोलूं? रोहन, मैं काम करती हूँ, कमाती हूँ, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ. पर रियल लाइफ में दो नेगेटिव्स पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? एक्चुअली इट्स फनी, क्योंकि मैं भी शादी नहीं करना चाहता. तो फिर तुम क्यों? वही
मिसेस मुखर्जी और उनके प्रेशर्स. लेकिन इस एक मीटिंग में इतना तो मैं जान गया हूँ कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट भी हो और बहुत इंडिपेंडेंट भी हो. एंड आई थिंक दैट्स रियली अमेजिंग. थैंक यू. एक बात बोलूं सु, आदमी का खुद पे भरोसा उसकी ताकत होती है. तुम और मैं हम कमजोर नहीं हैं. तो फिर तुम साथ आने में डर क्यों रही हो? क्योंकि अंधेरा अंधेरे को रोशन तो नहीं कर सकता रोहन. राइट. लेकिन अंधेरे में किसी का साथ होना सु तो अंधेरा कम लग सकता है ना? तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया. तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? करना चाहता हूँ. लेकिन अभी नहीं. तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ. जस्ट टू बी श्योर, यू नो, अपने बारे में, मेरे बारे में, हमारे बारे में. सो यू नो, let's just see. चाय पियोगे? सेट कर लिया मेरे दोस्त ने. देखिए दोनों की हंसी हाँ वाली है. शादी मुबारक हो. शोर होना है तो रोज मिलना तो इम्पोर्टेंट है ना सु? वो मैं हर मंडे वेंसडे फ्राइडे डांस क्लासेस के लिए जाती हूँ. तुम डांस भी करती हो? मैं पियानो बजाती हूँ और मेरे म्यूजिक पे स्टूडेंट्स डांस सीखते हैं. तुम लिटरली लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाती हो. समझ रहा हूँ मैं. रोहन बाय. बाय सु. हैंडसम, अरे यार तेरा हैप्पी बर्थडे है क्या? एक कपड़े, एक भेज वेफर के साथ. हाँ भेज भेज. शाइला, ये प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, लेकिन अंधों को भी प्यार होता है. आज पहली बार देख रहा हूँ. Simple, I know, but नहीं हो रहा. Yes, please. सुप्रिया है? Yeah, she's there. Can you? Yeah, I can. तुम चलो मैं. सुप्रिया? Yeah. Your friend is here. Hi. रोहन? Surprised या shocked? Pleasantly surprised. Thank God. बैठो. There's a stool. Thanks. How are you? I'm good. तो ये डांस क्लास कितने बजे तक है? I think last session. Coffee afterwards? हाँ, sure. Okay. Let's take a 5-minute break. Sue? हाँ? You don't dance? I dance. You dance well? I think I dance quite well. Really? Yeah. और तुम? मैं एक्चुअली सु, ये डांस फ्लोर का साइज क्या होगा? 40 by 40. सो स्क्वायर.
Any levels? One. And why do you ask that? Because I feel like we should try. What? Yeah. Are you asking me to dance with you? Yes, I am. Rohan, I'm mad. लोग क्या सोचेंगे? अरे लोग क्या सोचेंगे? ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे सु? Rohan, you come now. तुम कहाँ जा रहे हो? Oh, sorry. कहाँ है? यहाँ है. I thought you were joking. Hey, Supriya, कहाँ जा रही हो? That's my friend Rohan. He wants to explore the dance floor. Oh, cool. Shall I play the track? Yeah, yes, please. Thanks. Level kahan se start ho raha hai? Ek kadam se. Kadam se kadam jo mile to phir saath hum tum chale चले साथ हम तुम जहां वहीं पे बने काफिले
रोहन बस अब और कितने जूते ट्राई कराओगे? एक और सू, एक और। सू, ये वाला ठीक है। क्यों, इसमें ऐसा क्या है? इसका सुर एकदम सही है। ये पहनूंगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कितनी पास हो। या कितनी दूर? Come on, I think we should buy this one. Yes, please. Rohan, आज कुछ ज़्यादा ही रश है ना? हाँ, एक एक मिनट। क्या हुआ? Crowd बहुत है। अरे सू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं हूँ ना। चल। सू, भूख लग रही है? हाँ। Food court चलते हैं। First court पे आते हैं। अरे बॉस जी, एस्केलेटर प्लीज। वो सामने। Put your hands together and please welcome none other than Mr. Vikram Khanna. अरे भाई साहब एक सेकंड। सूप। अरे एक मिनट बॉस। सूप। अरे धक्का क्यों मार रहे हो आप लोग यार? रोहन। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे एक सेकंड। क्या हुआ? मुझे नीचे जाना है। मुझे आप नीचे नहीं जा सकते हैं। सू, सू, रोहन, एक्सक्यूज मी। अरे भाई साहब देखिए यहाँ पे कोई लेडीज हैं, मेरे जैसे वो देख नहीं सकती। हेल्प डेस्क पे जाइए प्लीज। चलिए चलिए चलिए। कहाँ पर होगा ये हेल्प डेस्क? एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्सक्यूज मी। भाई साहब, कैन यू हेल्प मी? आई नीड टू गेट टू द हेल्प डेस्क। सॉरी बड़ी, आई हैव नो आइडिया। सॉरी। हेलो, एक्सक्यूज मी। जी जी कहिए। भाई साहब, मुझे मेरे दोस्त नहीं मिल रहे, वो भी मेरे तरह देख नहीं सकते, आप प्लीज हेल्प कर दीजिए। सॉरी मैम, यहाँ तो कोई नहीं है। आप प्लीज किसी सिक्योरिटी को बुला दीजिए। सिक्योरिटी? जी, सिक्योरिटी को। उनका नाम रोहन है। हेलो भाई साहब। देखिए, मैं बहुत देर से अपनी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। शी इज लॉस्ट। कैन यू हेल्प मी? आपके पास माइक है तो अगर आप माइक के ऊपर यू अनाउंस हर नेम, इट विल हेल्प मी। इन स्टेज पे लाइए। थैंक यू। प्लीज कम। इतना पैशन, फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है? आप प्लीज माइक के ऊपर उसका नाम तुम खुद ही बुला लो। पहले तुम्हारी लव स्टोरी, फिर मेरी। या टर्न अराउंड। सू, कहाँ हो? सू, तुम सुन रही हो? सू, आई एम सॉरी सू, पता नहीं कैसे हाथ छूट गया। मैं ये मॉल के सेंटर में जो स्टेज है, मैं वहां से बोल रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। यस, आप प्लीज मुझे स्टेज तक ले जाएंगे? श्योर, प्लीज कम। सू, thank you, all the best buddy, have a good life. Thank you. Ro rahe the,
तो। अच्छा रोहन, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, कहीं नहीं जा रही हूं मैं। सू? हाँ? रोशनी तो कभी थी नहीं, लेकिन अंधेरापन क्या होता है वो आज पहली बार मैंने महसूस किया। वैसे तो अकेला ही रहा हूं, लेकिन अकेलापन क्या होता है आज पहली बार मुझे पता चला। क्या कर रही हो? मैं चूक के देख रही हूं। मैंने तो तुम्हें बिना छुई देख लिया। हाँ? हाँ। कैसे? उसी दिन रेस्टोरेंट में। और सच बोलूं तो इट वाज लव एट फर्स्ट साइट। बताओ ना प्लीज, इस केयरिंग में ना कहाँ जा रहे हैं हम? घर। हाँ? हमारा नया घर। पहुँच गए। कम कम कम। अरे। हाँ बेगम। कहाँ हूँ? जमीन से बहुत ऊपर और आसमान से थोड़ा नीचे। भाभी जी को नया घर दिखाने लाया हूँ। अरे हाँ, वही तो मैं भी देखना चाहता हूँ। क्या कर रहा है यार? ध्यान कहाँ है तेरा? नीचे देख। क्या ये? लिफ्ट की जगह सर्विस लिफ्ट, वहां से 16 स्टेप्स और होल। याद रखना, कंस्ट्रक्शन साइट है यार, केयरफुल। अरे यार, यहाँ से नीचे जाता तो पता नहीं ऊपर जाता है या भी नहीं। थैंक यू यार। मैं तो बोलता हूँ ये पहन ले, हार्नेस, टेंशन ही खत्म। सो ये हमारा मेन डोर। हाँ, वेलकम। आइए भाभी जी, आइए। ये आपका लिविंग रूम है, जो साइज में मेरे पूरे घर से बहुत बड़ा है। रोहन, हम अपने लिविंग रूम में बहुत ज्यादा फर्नीचर नहीं रखते। ओके, जस्ट बेसिक्स। और बालकनी में एक झूला। परफेक्ट। एंड बहुत सारी कैंडल्स। कैंडल्स? हाँ, खुशबू वाली। आई लव सेंटेड कैंडल्स। रियली? या, आई थिंक यू विल लव दिस। कम। क्या? यहाँ ना, शाम को, एक सेकंड, सूरज, हाँ, यहाँ डूबता है, शाम को, और तब एक बहुत मीठी सी आवाज चलती। हाँ। महसूस करता है? यहाँ। ऐसा लग रहा है कि रियल लाइफ में भी दो नेगेटिव्स पॉजिटिव बनने जा रहे हैं। मेरी लाइन मुझको। बट एक्चुअली रोहन, मैंने तो नींद में भी कभी ऐसे सपने नहीं देखे। डर लगता था। नहीं सु, देखो और सपने देखो, बड़े से बड़े सपने देखो। रोको मत अपने आप को, क्योंकि अब तो मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है कि मैं इतना काबिल बन सकूं कि तुम्हारे हर सपने को पूरा कर पाऊं। सपने सभी
तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है। फिर भी सपने कर दिखाऊं, सच तो कहना बस यही, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। मालूम है परवीन को, तेरा बेडरूम भी उसी ने सजाया है। जफर थैंक्स यार। अरे यार तू भी। अच्छा सुन, तेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आया हूँ। क्या? फुग्गा, गुब्बारे, कॉन्डम। क्या सामने ऐसा कैसे, क्या कर रहा है तू? कोई देख नहीं रहा है। कमाता नहीं है। अरे सब लड्डू खा रहे यार। कमाता नहीं है। अरे सुन ना, वैसे भी इंडिया में इलेक्शन हो या शादी, सबको रिजल्ट चाहिए पहले साल में। लेकिन तू फिक्र मत कर, कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पहले से। यू टेक योर टाइम। पागल है तू एकदम। अरे यार, अरे बस करना यार, अभी आ रहा हूँ। जल्दी करना यार। बज गया सायरन, अब निकलेगी सवारी। कहा अमित है ना, इसने आज पार्टी रखी है। बेटा वसीम, ये जो तुम्हारा खास दोस्त है ना अमित, कॉरपोरेटर का छोटा भाई है, और अपन लोग कसाई, रोज काटते हैं तो खाते हैं बेटा। कल से दुकान पे आना है तुझे, कोई बहाना नहीं। अभी चलता हूँ ना अबू। अरे भाई कहाँ गए? गया अपने लंगोटी के साथ सैर करने। वसीम एक बात तो बता, आज रात को ये अंधे लोग की सुहागरात की पार्टी में बत्ती ऑन होगी कि ऑफ? भाई बत्ती का तो नहीं मालूम, लेकिन पंखा जरूर चालू रखेगा। काहे को? गर्मी बहुत होने वाली है। यार अमित, ये अंधे लोग कैसे, कैसे क्या?
मेरा मतलब है बिना देखे। अरे टचिंग फीलिंग रे। कैंडल्स तुम्हें याद था? नहीं तो कैंडल्स हैं, पता नहीं कैसे आ गई यहाँ पे। अच्छा छूटे। सो तुमने मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा किया है, तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश मैं अधूरी कैसे छोड़ सकता हूँ? देख नहीं सकती हूँ पर महसूस होता है सब कितना सुंदर है। क्या कर रहे हो? कुदकुदी होती है। कैसा था? Fantastic. Okay. Amazing यार, बिना देखे कैसे डब करता है? वो भी इतनी आवाजों में एक साथ। Are you sure he's blind? English में सुनता है और हिंदी में बोलता है। You know? Brilliant. Hello. Sue. Hi. पता है आज स्टूडियो में कौन आए? बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कौन? खुद बात करो और गेस करो। Hello सुप्रिया जी, कैसी हैं आप? आप कौन बोल रहे हैं? मैं अमिताभ बच्चन, रोहन का दोस्त। कैसी हैं आप? अम्मे जी आप, नमस्ते नमस्ते। रोहन जब से मिले हैं आपकी सुंदरता का ही गुणगान गा रहे हैं माशाए। मुझसे तो ऐसा कभी नहीं कहा। सारे मर्द ऐसे ही होते हैं, बीवी के सामने कुछ नहीं कहते। जया जी की भी यही शिकायत है। जी शुक्रिया, थैंक यू अमित जी। सुखी रहिए, आपका वैवाहिक जीवन आनंदमय हो, बस इसी आशीर्वाद के साथ विदा लेता हूँ। रोहन, सुना तुमने कितना अच्छा आशीर्वाद दिया अमित जी ने। अच्छा सुनो, आमिर खान आते हैं क्या तुम्हारे स्टूडियो में? अरे आमिर क्या, सारे खानों को ले आता हूँ आज शाम खाने पे, ओके? पर सुनो, आज शाम हमारा खाना बाहर है, ओके? बाय बाय। पता है सु, एसी में भी गर्मी क्या होती है? वो आज मुझे पता चला। इतना खतरनाक लग बैठ दिया तुमने मुझे कल रात को। खतरनाक? डबिंग आर्टिस्ट हूँ, आज मेरी बोलती बंद हो गई। पता है जैसे अनूप ने मुझे बताया तो शर्ट के ऊपर का बटन बंद किए घूम रहा हूँ। कैन यू इमेजिन? अच्छा शुरुआत किसने की? तुमने? मैंने? कौन? व्हाट लाइज? ओह लाइज, सुबह सुबह दस्तूर आंटी ने मिलके सारी डिटेल्स ले ली और फिर 15 साल पहले उनको मिले लव बाइट की सारी हिस्ट्री सुना डाली। मैं भी सुबह से गले में दुपट्टा बांध के घूम रही हूँ। अपना हाथ देना प्लीज, अपना लेफ्ट हैंड। मैंने अपनी फर्स्ट सैलरी से ली थी। मैं दोनों पहनूंगी, एक घड़ी वक्त बताएगी
और दूसरी तुम्हारा प्यार। कितना हुआ बॉस? 80 रुपए सर। 80? जी सर। ये ले 100। थैंक यू सर। बना रहा है या आजमा रहा है? क्या हुआ सर? 80 हुए ना? हाँ सर। तो 10 क्या दे रहा है? 20 दे। सॉरी सर, एक्चुअली ना जल्दी जल्दी में ऐसा हो गया। हाँ सर। हुआ क्या? आप सही, चल। वो क्या है सूर्या जी, ऑटो वाला थोड़ा कम समझ रहा था। और हम जानते थे कि आप है, हैं? मिस्टर डबिंग आर्टिस्ट। अच्छा, मेरा मुझ पे ही? सीरियसली यहाँ से? काफी स्मार्ट हो तुम्हें, बच के रहना पड़ेगा। अरे वो तो मैं हूँ, श्री श्री रो। कौन? अमित, तू है ना? क्या हुआ रोहन, मुझे डर लग रहा है, चलो ना। अरे डरने की कोई बात नहीं है सूर, मैं जानता हूँ इसे। क्या हाइड एंड सीक क्या खेल रहा है अमित? कुछ बोलना है तो सामने आ। मानना पड़ेगा यार तेरे को रोहन। यार तू पहचान कैसे लेता है? नाक खतरनाक है तेरी। रास्ता छोड़। अरे यार तू डिसाइड कर, कभी बोलता है सामने आके बात कर, कभी बोलता है रास्ता छोड़। रास्ता छोड़। अच्छा चल छोड़ दिया, जा। अच्छा सुन यार, एक बहुत जरूरी बात पूछना था तेरे से। देख, अपन फुल ट्राई मारने के बाद भी अपन से एक काम वाली बाई नहीं पड़ती। तूने तो अंधेरे में अच्छा खासा तीर चला लिया यार। अमित से बात कर, बीवी है मेरी, समझा? रोहन कॉलर छोड़। ओ तेरी, अरे ये क्या है? वसीम देख देख। लगता है अपने हैंडसम ने कल रात को अखी ब्लू फिल्म बना डाली। क्या बात कर रहा है? ए रोहन, ये पता ना तूने भी उसको दिया क्या बाइटिंग? ये पता ना बोलना किधर दिया। नहीं नहीं नहीं, मत बोल मत बोल, साला मैं ही देख लेता हूँ। कमजोर मत समझ, पहली बार बोल रहा हूँ, आखिरी बार समझ ले तू, कमजोर मत समझ। शीलू आंटी, मातृता है, चिरके भाभी, आओ सब लोग। क्या हुआ सुप्रिया, क्यों चिल्ला रही हो? ये लड़के हमसे बदतमीजी कर रहे हैं। पर तुम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। हाँ? यही तो थे। रोन कहाँ गए? वो गए सु, वो गए। चलो घर। देखिए मैं कुछ नहीं जानता, फ्लैट की बुकिंग के टाइम पे आपने मुझे क्या कहा था? याद है मुझे क्या कहा? दिसंबर में मैं दे दूंगा। जी जी, कहा था। तो फिर अभी आप अगले साल कैसे बोल सकते हैं आप? अरे भाई पेपर्स नहीं तैयार हुए ना। क्या पेपर? राजेश जी, हां राजेश भाई, मैं कुछ, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। एक महीने के अंदर अंदर या तो आप मुझे पोजेशन दो या फिर मेरा पैसा खत्म। बात जी जी, थैंक यू। क्या कर रही हो सुन? वही जो कल रात उस समय करना चाहिए था जब तुमने साथ में को थप्पड़ मारा। तो किया क्यों? सॉरी। सुप्रिया, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आंटी। ये क्या है? एक्चुअली आंटी हमारा फ्रिज खराब हो गया है, आप दूध रख लेंगे अपने? हाँ, क्यों नहीं।
सू कहाँ हो तुम? आज कितनी बार फोन किया मैंने, पता है आज स्टूडियो में कौन आए थे? आमिर खान। करवानी थी बात लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। कमाल कर दी यार, इतना अच्छा चांस था, मिस हो गया। अरे जवाब तो दो सू, क्या हुआ सू? सू सू तू ठीक तो है? सू मुझे बता क्या हुआ? सू सू वाइफ के स्टेटमेंट पर हमने अमित और वसीम दोनों को कस्टडी में ले लिया है, लेकिन ऐसे केस में मेडिकल रिपोर्ट जरूरी है मिस्टर भटनागर, और अभी करवाना जरूरी है, विद इन 24 आवर्स, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर ही हम उन्हें रिमांड में रख सकते हैं, नहीं तो आप ना प्लीज तैयार कीजिए। इनकी फैमिली वगैरह? नहीं मैं सिर्फ बस मैं केस कहाँ है सर? वो उन्हें देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, और शानू ने रेप के टाइम पे मुंह ही नहीं खोला तो आवाज़ भी पहचान नहीं सकती। पूरा केस उसकी नाक पे है सर, तो क्या कोर्ट रूम में सबको सूंघते बैठेगी और जज नाक की गारंटी लेगा क्या? इसीलिए मेडिकल के लिए भेज रहा हूँ। हेलो जी। ठीक, ओके। आ गया फोन। ऐसे टाइम पे आता ही है सर। फोन का क्या है, फोन तो ऐसे ही आता रहता है। तो मेरे फोन पर कम, अपनी ड्यूटी पर ज्यादा ध्यान दो। यस सर। ले जाओ उसे मसीना हॉस्पिटल मेडिकल के लिए। यस सर। चौबे साहब ने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी है, आने में थोड़ा लेट हो गया। चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं। और तुम्हें चौबे साहब ने चौकी बुलाया? जी सर। से ठोक ठोक के दिमाग की मां बहन कर रहा है। देख 24 घंटा तेरे को इधर रखेंगे, फिर तू जा। अरे पर क्यों? अगर तूने दोबारा से दरवाजा ठोका ना तो तेरी बीवी की फिर से।
शुक्रिया भाई साहब। आपकी रिपोर्ट तैयार है, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। मिस्टर भटनागर, इस रिपोर्ट से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। रेप के बाद के 24 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं एविडेंस के लिए। आप 30 घंटे के बाद आए, वो भी भीग कर। ऑल एविडेंस सीम्स टू हैव बीन वॉश्ड आउट। क्या किडनैप किया, बंद किया, फिर समंदर में छोड़ दिया? हाँ? गवाह है क्या इसका कोई? हाँ, ये समझाएगा मेरे को? ए? मैं सब समझता हूँ, पर बहुत छाने लोग हो तुम। ओ मैडम, अरे रेप हुआ है क्या आपके साथ? क्या इसी? क्या बोल रहे हैं आप? समझ नहीं रहे आप बात को? तू लंबा जाएगा? लंबे जाओगे दोनों, कॉर्पोरेटर को फंसाने के चक्कर में। मानहानि और फ्रॉड दोनों का केस ठोकेगा तुम पे। चौबीस साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे बात करनी। आप बंदोबस्त पे? और क्या उनसे क्या बात करेगा तू? हाँ, पहले मुझसे बात कर। ये देख, नो क्लिनिकल एविडेंस ऑफ रेप, साफ साफ लिखा है। तुम लोग फ्रॉड फ्रॉड, पहले रेप का कंप्लेंट किया, फिर 24 घंटे गुल। 24 घंटे में सोचा है कुछ तोड़पा नहीं करेंगे, क्यों है? बराबर है ना? अरे कैसा इंसान है रे तुम, औरत के नाम पे पैसा बनाना चाहता है क्या? शर्म कर। वर्दी ना होती ना तो तेरा मुंह तोड़ देता मैं। सब बकवास है, नहीं मानता मैं रिपोर्ट को। करवाऊंगा फिर से मैं मेडिकल। चल सुन, चल। कहीं नहीं जाना मुझे रोहन, लेकिन कहीं नहीं जाना मुझे। सुन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो क्या कर रहे लोग हमारे साथ? मुझे भूख नहीं है सुबह, तुम खा लो। रोहन, खाना नहीं खाना तो सोने चलो। मैं कुछ देर बैठूंगा सुबह, तुम प्लीज तुम सो जाओ प्लीज। रोहन, मैं समझ सकती हूँ कि अब मैं तुम्हारे लिए पहले जैसी नहीं रही। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास मेरा एनजीओ वाला जॉब है, मैं वहीं वापस चली जाऊंगी। मुझे पता है हम जैसे पहले थे ऐसे कभी नहीं रह सकते। मैं समझ लूंगी कि कल से पहले सब कुछ
सिर्फ एक सपना था। खाना टेबल पे रखा है रोहन, थोड़ा सा खा लेना। तेरी बीवी तो इतनी अच्छी है कि वो भूख ही रह सकती है, प्यास ही रह सकती है। सॉरी यार रोहन, मैं फोर्स नहीं कर रहा तेरे को, पर डेडलाइन है। वैसे भी ये वॉइस तूने ही डब की थी, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। रेडी? ग्रेट, लेट्स गो अगेन। तेरी बीवी तो इतनी अच्छी है कि वो भूख ही रह सकती है, प्यास ही रह सकती है, पर चुप नहीं रह सकती। ओ, 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 ओ। कल के लिए आई एम रियली सॉरी सू। मैं खामोश रहा इसलिए कि क्या कहता। कल पहली बार मैंने खुद को कमजोर फील किया, नाराज था खुद से, इतना कि तुम्हारे आंसू पहुंचना भूल गया। आई एम रियली सॉरी सू। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा सु, हम फिर से वैसे ही रहेंगे जैसे हम थे, तुम और। मैं थोड़ी देर के लिए गैराज जाके आता हूँ, अंदर खिचड़ी रखी है तो खा लेना।
अच्छे दिखते थे आपकी बीवी। मैं कॉर्पोरेटर माधवराव शेलार, अमित का बड़ा भाई। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इस बार आप इलेक्शन में मुझे वोट नहीं देंगे। जवानी रेस के घोड़े की तरह होती है, बंदूक चलते ही दौड़ने लगती है। रगों में खून से ज्यादा जोश दौड़ता है। मैं भी एक टाइम पे जवान था अमित की तरह। मेरा भी दिल आया था वो कॉलोनी में मात्र है ना उसकी औरत पे, पर कुछ कर नहीं पाया। सपोर्ट नहीं था ना। हम सब आप मिल मजदूर एकदम गरीब, पर अमित को है सपोर्ट मेरा, मुझे जो मैं नहीं कर सका वो अमित कर सकता है। पुलिस भी अपनी जगह छुड़ा लिया है अमित को। भटनागर साहेब, दुख तो मेरे को भी है। नवी नवी शादी थी, मेहंदी का रंग हाथों से नहीं छूटा था, दुनिया छूट गई। पर स्वागत तो आपने ही मनाई ना पहले, अमित को तो कुछ खास नहीं मिला था। मीडिया से बात करने का नहीं, कॉलोनी वालों से भी बात करने का नहीं। जितना बात करोगे उतनी बदनामी होगी अमित की। दिल्ली भेजना है ना उसको, कॉलोनी वाले थोड़े दिन में भूल जाएंगे, आप भी भूल जाओ, मेमोरी से डिलीट। भटनागर साहेब, एक बात समझ में नहीं आई आपकी मिसिस की। अगर आत्महत्या करने का ही था तो पहले रेप के बाद में क्यों नहीं किया, दूसरे रेप के बाद में क्यों? ये तो भी कमजोर नहीं है। कुछ दिनों में हम ठीक भी हो जाते और फिर से अपनी जिंदगी जी लेते, लेकिन आज जो हुआ अगर वो बार बार होता तो तुम टूट जाते और मैं ये सह नहीं पाती। आज जब तुम काम पे चले गए, मैं किचन में खाना बना रही थी, दीदी बोर्ड मिल गया। गुड, एंड डोंट वरी अबाउट कांच, मैं साफ कर दूंगी।
दीदी पराठे बनाए हैं आलू के, खाओगे? कल गोभी के पराठे? ठीक है, डन। ओके बाय बाय। पराठे तो हम भी खाएंगे। अरे उस दिन तूने मेरी आवाज नहीं सुनी थी ना, कायना है हाथ सुन ले और सुनने की आदत डाल ले, क्योंकि अब तो हमारा आना जाना चलता ही रहेगा, जब जब दिल चाहेगा तब तब आएंगे। चल आज कुछ नया ट्राई करते हैं। तुम कितनी तकलीफ में हो मैं जानती हूं, एंड आई लव यू सो मच। तुम्हें बार बार इस तकलीफ से ना गुजरना पड़े, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। अफसोस इस बात का है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जा रही हूं। ख्वाहिश है मेरी, ये दो घड़ियां छोड़ के जा रही हैं, हो सके तो एक को जला देना और दूसरी को दफना देना। तुम्हारी सु। क्या बीवी का शव पुलिस स्टेशन में बनाने आ गए क्या? मुझे 24 साहब से मिलना है। साहब बंदोबस्त पे तो उनका सेल नंबर होगा ना, वो दे दो मुझे। तेरे को क्या लगता है खाली बैठे क्या तेरे लिए? सब मालूम है कितना बड़ा एरिया आता है उनके अंडर, कितने सारे केसेस है। तेरा तो केस भी नहीं है, तू फ्रॉड है। देख आगे से यहाँ पे आने का नहीं, समझा? नहीं आऊंगा, लेकिन आज 24 साहब से मिले बिना जाऊंगा नहीं। तो क्या धरना देगा? बोला तेरे को समझता नहीं क्या? बंदोबस्त पे है साहब। चौबे साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। चौबे साहब चल निकल, मैं बोलता हूँ फूट यहाँ से, बहुत इज्जत हो गई तेरी, चल निकल। धलावड़े आप सर बोल। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया सर, मेरी सू का चले जाना, इस केस का क्लोज हो जाना, उनका छूट जाना। मिस्टर भटनागर उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके खिलाफ हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था और तुम्हारी बीवी ने खुदकुशी कर ली। अक्सर दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है सर, हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है सर। मेरी सू कमजोर नहीं थी सर, वो ये भी समझ गई थी कि हमारी दुनिया से ज्यादा अंधेरा तो आपके लॉ एंड ऑर्डर में, और वो इस सच के साथ जी भी लेती। मगर दूसरी बार के बाद टूट गई। दूसरी बार मतलब? वो दोबारा आए थे सर मेरी सू के साथ, फिर से उन्होंने क्या? कुछ भी बंकस कर रहा है सर ये। डोंट वरी इंस्पेक्टर नालावड़े,
मैं कंप्लेंट करने की गलती दोबारा नहीं करूंगा। वैसे भी अब आप लोगों से ना मुझे कोई उम्मीद है और ना ही सुख। मैं तो बस इतना कहने आया था कि अगर आपके सिस्टम ने थोड़ा बहुत साथ दिया होता तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब करना पड़ेगा अपनी सुख के लिए। कुछ करना पड़ेगा मतलब क्या करोगे, बदला लोगे? जवाब सर, जवाब दूंगा। और आपको ना FIR की जरूरत होगी ना किसी मेडिकल चेकअप की। जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ शायद पोस्टमार्टम की। और तुम बच जाओगे? हाँ सर, जैसे वो बच गए। परफेक्ट क्राइम। और तुम्हें क्या लगता है, हमारी आंखें भी बंद रहेंगी? नहीं सर, आपकी आंखें तो खुली रहेंगी सर, पर आप कुछ देख नहीं पाएंगे। आपके कान खुले रहेंगे पर आप कुछ सुन नहीं पाएंगे। आपका मुंह खुला रहेगा सर, पर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात सर, आप सब कुछ समझ जाओगे पर आगे किसी को समझा नहीं पाएंगे। अबे केबीसी खेल रहा है क्या तू हमारे साथ? चार ऑप्शंस दे रहा है ABCD। ये खेल उन्होंने शुरू किया था, तमाशा आप लोगों ने देखा। खत्म मैं करूंगा। बस एक बात और। बोल बोल, आज सब बोल के जा। इस गेम में कोई लाइफलाइन नहीं होगी सर। प्लान बना नहीं है दादा, अभी करता हूँ वसीम को फोन। ये नल्लावड़े इधर क्यों आया मालूम है? तोड़ पानी में चार पेटी घुस गई, पार्टी हेडक्वार्टर तक बात पहुंची बोला घने तेरे को पड़ी नहीं है। करेगा तू, भरेगा तेरा दादा। अतः बस अतः वसीम बिसीम सगड़ा बंद, प्रचार पे ध्यान दे तू। 2 महीने बाद इलेक्शन है। अब एक कांड आई ना कान तक, सीधा पुणे ताई के पास, समझ लख। ओ समझ लख। ये तो मैं ये बात सुनेगा आपकी? अच्छा काहे सांगू ना लावड़े, मैं कई बाप का खून है ना दोनों में। नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, जाएगा वासिम के गले में हाथ डाल के बैठेगा पीने को। किसी को मेरा है नशा, जवानी कहते हैं मुझे, मेरे आशिक हर जगह। किसी को मेरी हसरत है, किसी की मैं हूँ दुर्वा। मुझे I'm not afraid to die।
के चक्कर में डेली गली गली में फाइट। थोड़ा हमें तो टाइम यार, लव नहीं है क्राइम यार, हर दिन मुझको बेटर लगे तू लड़की है या वाइन। अरे जनता को जवाब दो, कब पड़ोगी प्यार में, सारी दुनिया लगी हुई है हम भी एक कतार में। सारा जमाना हसीनों का दीवाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, सारा जमाना हसीनों का दीवाना। बंद हो गया तो क्या, अब उन लोग का ये बार 24 आवर्स ओपन। चल दो लगाते आजा। अरे यार कितनी पिएगा, कितनी पिएगा, पिऊंगा। वैसे भी ये मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा, देखो बहुत भड़के हुए हैं। हाँ यार ये दादा भी अपन के ऊपर बहुत भड़केले। अच्छा बोलते हैं वो करेगा तू, भरेगा तेरा दादा, अभी वासीम बीसीम सब बंद, बाजार पे ध्यान। ब्लडी प्रचार पे अपन ध्यान देंगे तो दारू पे कौन ध्यान देगा, है कि नहीं? ए, चल बहुत हो गया, चल चले। अच्छा तो हम चलते हैं, चलिए वसीम बाबू। अरे संभल के भाइयों बहनों, घमंड की बात नहीं है, सब जानते हैं कि हमारी पार्टी ने इस क्षेत्र में क्या क्या किया है। अन्याय का विनाश आणि सगळ्यांत सबका विकास, यही हमारी पार्टी का नारा है आणि यही हमारी पार्टी का उद्देश्य। जय महाराज। अन्याय का
आज बार बंद हो गया तो क्या, अब उन लोग का ये बार 24 भारत ओपन। चल दो दो लगाते हैं, आ जा। चल दो दो लगाते हैं, आ जा। तेरे को क्या लगता है, खाली बैठे क्या तेरे लिए? सब मालूम है कितना बड़ा एरिया आता है उनके अंडर, कितने सारे केसेस हैं। तेरा तो केस भी नहीं है, फ्रॉड है। देख आगे से यहाँ पे आने का नहीं। जिन लोगों की आवाज से मुझे नफरत है, क्यों सुन रहे हैं उनकी आवाज? इन आवाजों ने हमारी जिंदगी में सन्नाटा कर दिया। सो पर बहुत जल्द ये आवाजें किसी को कभी सुनाई नहीं देंगी। हेलो वासिम बाबू जी, आज निकाल फटाफट ने लौड़े। 24 घंटा चुंबक की तरह चिपका रहता है अमित को। तो बोलो ना साहब, क्या ऑर्डर है? वो 3-4 रोज के लिए उठाते ना तुम लोग, क्या और करने? क्या बोलते उसको? प्रिवेंटिव अरेस्ट। ओहो क्या आइडिया है साहब, आज ही उठा दो उसको। साहब थोड़ा खिड़की चल रहा था। अरे तू टेंशन रखो, गया नहीं आए ना तो बाद में आके मिल मेरे को। हाँ ये तो सर, जय महाराज, जय महाराज। सलाम साहब, मैंने क्या किया? क्या नहीं रे कुछ, वो तेरे को करने भी दे देंगे। हाँ जी, चल 3 दिन अंदर आराम कर, छोड़ दूंगा मुझे। अरे देख मेरी जान, ज्यादा सोच मत, अरे किसी को पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी ना बुला रहा हूँ तेरे को, खर्चा पानी दूंगा ना मैं। बोलना, रूम बुक करूँ क्या? अरे अरे आना, मस्ती मारेंगे यार। मरा रे तो तू मरा, बेटे का दोस्त हुआ तो क्या, तू मरा। कल तक ये प्रचार पत्र हर एक घर में पहुंच जाना चाहिए। हाँ एक एक घर में दादा का नाम सबकी जुबान पे होना चाहिए, समझ ला? शकील अंकल, आप अरे थप्पड़ काय को मार मेरे को, मैंने क्या किया है? किया क्या है, मेरे से पूछता है क्या क्या है? अरे हाँ, तेरा फोन तेरे में ही डाल दूंगा, जिंदगी भर न चलने लायक रहेगा न बैठने लायक। अरे लेकिन अगर दोबारा फोन किया तो? अरे किसको? दूर रहा मेरी बेटी से। तो पागल हो गया। हेलो, अरे गलती हो गई रे बाबा, मेरे को लगा पायल है। अब तू ही सोच, इतने सालों में मैं कभी तेरे साथ ऐसा बात किया क्या? नहीं ना, एक बार मिलना, आमने सामने मिलके ये सब क्लियर करने गए यार। मुझे नहीं मिलना। ए युवना देख, अपन की बचपन की दोस्ती है, ऐसा मत काट, एक बार मिलके मेरे को सॉरी बोलने का है बस। एक बार मिलना, आ जाना प्लीज। ठीक है, कहाँ मिलना है? अरे काहे का सॉरी, तू शकील अंकल से झूठ काहे को बोली? मैं कब फोन किया तेरे को? साला फोकट में पब्लिक में छापड़ खेलवाए। अरे अरे मेरे कॉलेज का दोस्त था, बाबू को पता चलता तो मेरे लिए एक थप्पड़ नहीं खा सकता क्या तू? अच्छा चल कान पकड़ती हूँ। यकीन नहीं होता तो तेरे सामने कान पकड़ती हूँ पापा। मेरे जबान संभाल के बात कर शेलार, वो मेरी बेटी है और ये मत भूल कि हम कसाई हैं। ए मुर्गी चो, जिल्ला निकल, जिल्लाने का नहीं। देख तेरा बेटा अमित का पैसा भी तो मौज करता ही है। आता तेरी बेटी ने भी उस पे डोरे डालना शुरू कर दिया। शेलार, आप बस जिल्लाने का नहीं, जिल्लाने का नहीं। आता था मस्जिद के पीछे जा, तेरी आंखों से देख समझेगा तू,
किसने किसको बुलाया? समझेगा तू। लुबना चल अभी कान पकड़। फोन पे तो एकदम या हूं मूड में लग रही थी। अरे देख क्या रही है, पकड़ ना। चुप कर, अब बस हो गया हाँ तेरा। क्या तू पागल है क्या? सुधारने वालों में से नहीं है। अरे क्या बोल रही है? फोन पे बोला सॉरी बोलना है और अब अपनी औकात छोड़ दे। हां मैं सॉरी काहे को बोलेगा? लगता है आंखें मुर्गे खानदान की सटक गई है। नहीं रे अबू, खानदान हमारा नहीं तेरा पागल है, और सबसे बड़ा पागल है तेरा भाई। ए छोटी निकल यहां से, तेरे से मैं बाद में बात करता हूं, पहले इसकी गर्मी तो उतार दूं। चाकू चाकू अंदर रख। तेरी तो थप्पड़ मारो, मैं कुछ बोला नहीं। बेटी कर रही है। चाकू अंदर रख शकील। चाकू हटा। भाई यार कैसा फाइल किया तू? मर गया क्या वो? शरार साहब चौबे साहब भी तो है ना मेरे ऊपर। अरे ऊपर मंजे का है, नोट की गड्डी के ऊपर तो तेरा सबसे पहला पहुंचता है, बराबर का नहीं? तो काम भी कर, फाट के फेंक एफआईआर को। मैं देखता हूं अमित और मुर्गी वालों के बीच में क्या लफड़ा चल रहा है। तो जा वासिम को भेज मेरे पास। तो उसको छोड़ दूं? किसको? शेलार साहब आप ही के कहने पे मैंने वासिम को 3 दिन अंदर कर दिया। पौवा मार क्या है क्या? मैंने कब बोला वासिम को भरने को? तेरी चौकी मेरे बाप की है, मेरे बाप की है क्या? नहीं सर। ये भाग ना रहा है, कुत्ता भी हड्डी खा के घर की रखवाली करता है। तू बोनलेस के सपने मत देख। समझ लगा है? वासिम को भेज। हाँ बढ़। रोन बस अबा, और कितने जूते ट्राई कराओगे? इसका सुर एकदम सही, ये पहनूंगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कितनी पास हो। क्या कितनी दूर?
आदत डालने का वक्त ही नहीं मिला रोहन। उन्हें भी वक्त नहीं मिलेगा सो। काय चल रहा है वासिम? क्या चल रहा है अमित और तेरे बाप के बीच में? दादा, वो अमित ने लूमना के साथ बदतमीजी की। अरे का डोका फिर लेका? अमित तेरी बहन को अपनी बहन मानता है, तेरे को लगता है वो ऐसा करेगा? और तेरा बाप चाकू लेके गया था अमित को मारने को, चौबे ने एफआईआर फाइल किया है। आता मैं काय म्हणतो, मैंने अमित को पुणे भेज दिया है, तू जा अपने बाप को बोल एफआईआर वापस लेने को। याद है ना, अंधी के रेप केस में मैंने तेरे को बाहर निकाला था, याद है कि नहीं? तेरे बाप का जितना इलाज का खर्चा है मैं उठाएगा एफआईआर वापस लेने का, समझ ला? जी दा। या हेलो वसीम, अमित बोल रहा हूँ यार। मुंबई से बोल रहे ना, नंबर तो यही का है। तेरा भाई कह रहा है तू पुणे गया हुआ है, शेंडी लगा रहा है दोनों भाई मेरे को। देख वसीम, मैंने लुबना को फोन ही नहीं किया था मेरे बाप। यार यार तो मिल तो सही मेरे को, हमने सामने बैठ के वन टू वन सब कुछ क्लियर करने का। यार कहाँ मिलेगा? अमित वसीम, आजा आजा, देख आज तेरे लिए नंबर वन विस्की लाया हूं, स्कॉच। सोचा के भाई को मनाने गए तो विस्की भी नंबर वन होनी चाहिए, है कि नहीं? बाप को चाकू मारा, लुबना के साथ बदतमीजी की, और तेरे को लगता है मैं तेरे साथ यहाँ पे दारू पीऊंगा? ए बदतमीजी गाई खड्डे में, तूने कौन सी तमीज दिखाई दी उस अंधी के साथ? ए लुबना मेरी बहन है समझा, और उसके साथ हम दोनों ने मिलकर मजे लिए थे, वो भी दो दो बार। आज तू बड़ी अंधी की बात कर रहा है, कौन लगती थी वो तेरी? सब कुछ जो थी वही थी। तूने अमित की आवाज कैसे निकाली? फोन पे तू ही था ना? अंधा हूं पर सुन सकता हूं, और जो चाहे सुना सकता हूं। Good.
can't cut you off. शामिल जरूर होता है, हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है। आइला सर, कहीं केबीसी तो नहीं शुरू हो गया? पागल हो गए नलावड़े, ये तामझाम देखो और वो देख नहीं सकता, इस काबिल है ही नहीं। ये क्या है इसके कंधे पे? सर रुमाल। एएस अमित शेलार। नलावड़े, दोस्ती जितनी गहरी होती है दुश्मनी भी उतनी ही गहरी होती है। पता लगा कि अमित शेलार कहाँ है? यस सर। ये सुसाइड का नहीं, मर्डर का केस है। शिकायत हो गए अमित, कल पुणे में था। कल रात अमित के पुणे में होने का पक्का सबूत है तुम्हारे पास? ये तो मुझसे प्रश्न कर रहा है कि मुझ पे शक? दोनों। वक्त हो गए, जितने साल से तू ये खाकी खाकी खेल रहा है ना, उतना ही साल से मैं खादी खादी खेल रहा हूँ। तेरे को लगता है मैं ऐसा कांड होने दूंगा? हाँ आमिर, कमी ना है पर हेड़ा नहीं। वो मर्डर करेगा, उसके कंधे पर अपना रुमाल छोड़ के जाएगा ताकि तू उसको पकड़े। लेकिन फिलहाल परिस्थिति और प्रूफ दोनों ही तुम्हारे भाई के खिलाफ जाता है शरा। और अगर मेरा इन्वेस्टिगेशन तुम्हारे भाई तक पहुंचा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं बोला क्या तेरे को पीछे हटने? याद रखना, मेरे भाई के पीछे मैं हूँ, माधवराव शेलार। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। आप तमाम साहबान मरहूम की मगफरत के लिए दुआएं मांगें, हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम रो रहे हो?
एक दिन आपको भी रोना पड़ेगा सर, जिस दिन आप घर में प्याज काटेंगे। आइए चौबे साहब, वेज कोल्हापुरी खाएंगे आप? तुम काम क्या करते हो? सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ सर, ये साउंड का थोड़ा बहुत काम आता है सर और काम चल जाता है। कल रात कहाँ थे तुम? घर में सर। लोग शोर से जागते हैं सर और खामोशी मुझे सोने नहीं देती, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ सर। कोई ऐसा गवाह है जो कह सके कि कल रात तुम घर में थे? ये कैसा सवाल है सर, लोग क्या सोने के टाइम पे किसी को गवाह रख के सोते हैं? लेकिन सर आप ये सब मुझे क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि कल रात वसीम का मर्डर हो गया। और आपको लगता है कि मैंने किया? पहले नहीं लगता था, लेकिन आज वसीम की मैयत पर तुम्हें देखकर सोचने के लिए बाध्य हो गया। फिर तुम्हारा चैलेंज याद आया, भूल गए? सर वो मैंने गुस्से में कहा था सर, और वसीम का मर्डर मैं क्यों करूंगा सर? क्योंकि उसने तुम्हारी बीवी का रेप किया था, जिसका आपको कोई सबूत नहीं मिला सर। फिर तुम्हारी बीवी ने सुसाइड क्यों किया? सर आप इन्वेस्टिगेट करने क्या आए हैं सर, वसीम का मर्डर या मेरी बीवी का सुसाइड? An eye for an eye makes the whole world blind, Mr. Bhatnagar. Perfect world, sir. सब अंधे रहेंगे तो पुलिस की किसी को जरूरत नहीं होगी। सर आपने कभी किसी अंधे को रेप या मर्डर के केस में अरेस्ट किया है सर? परफेक्ट वर्ल्ड सर, सब अंधे। अमित का रुमाल वसीम के मुंह में डालकर तुमने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। मैं जानता हूं अब तुम अमित जल जाएगा सर। वेज कोल्हापुरी सर, हाथ छोड़े ना प्लीज, जल जाएगा। थैंक यू सर। कंधे पे थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हारा किचन नहीं, हमारा इंट्रोगेशन रूम होगा, याद रखना। अगर आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत मिला तो सर। आपने बुलाया सर? ये अमित और वसीम के कॉल रिकॉर्ड्स ले आए? कल तक मिल जाएगी सर। शकील का स्टेटमेंट लिया? हाँ सर, बहुत भड़का हुआ है अमित पे, बोला बेटे के कब्र की मिट्टी सूखने से पहले बदला लेगा बेटे को। अमित का टाइम खराब चल रहा है सर। ठीक, थैंक यू सर। हेलो। हाँ हेलो, मैं नलावड़े। हाँ बोल नलावड़े। पूना महीना तो हाँ, और किधर जाऊंगा? रुमाल मिला तेरा वसीम की बॉडी पे। अरे तुम लोग सबके सब येड़े हो गए हो क्या? मैंने वसीम को नहीं मारा। मालूम है रे? मालूम किसने मारा ये भी मालूम? तेरा नंबर है अगला। तू साला मेरे को उसका नाम बता, अगला नंबर उसका होएगा। फोन पे नहीं रे, इधर आके मिल मेरे को। पता है ना कहाँ मिलेगा? बताएगा तो पता चलेगा ना कहाँ मिलना है। अरे वो उस अंधे को किस बरवाज में रखा था? मठ के गोडाउन में। क्यों? उदरिच। और सुन, उधर कोई नहीं मांगता है, ये एकदम सीक्रेट में मिलने का है। चल। Thank you.
लेकिन वो नलावड़े की आवाज, अबे वो तू निकाला कैसे? बड़ा ही कलाकार आदमी है रे तू रोहन, क्या प्लान बनाए तू? अरे फूटेली आंख, मैं वसीम नहीं हूं, इतनी आसानी से मरने वाला नहीं हूं मैं, बदला मेरा बाबा से। चले बदला लेकर कोई प्लान भी है तेरे पास? सारे तेरे को वो बदला बदला खेलने का ना, चल खेलते हैं। उठा चलो, उठ। एक तू मारेगा, एक मैं, चल मार मेरे को। मेरी बारी, ला चला मुझे दे। मानना पड़ेगा, अंधा है पर डेयरिंग है। मर गया क्या? तुझसे जास्ती जोर वाली तो तेरी औरत थी रे, बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी उसे काबू में लाने के लिए। आजकल दूसरी बात, चलिए ले एक आखिरी चांस देता हूं तेरे को, उठा चल। सॉक्स तो मरा हुआ आदमी भी सूंघ लेता। अब तू बता, प्लान भी है तेरे पास? सही समझा तू, बदला ही ले रहा हूं मैं। तूने सुप्रिया को मारा नहीं था, मैं भी तेरे को नहीं मारूंगा। पता है तुझको कौन मारेगा? बताता बोला दादा, दादा मैं हमें, अरे मेरे को ये मर के गोडाउन में बांध के रखा है दादा, आप जाके मुझे बचा लो, मैं आपको सब बता दूंगा दादा। नहीं ये तो अमित, नहीं ये तो, हाँ दादा हाँ। कलाकार हूं मैं भी, मानता हूं, है? मानना पड़ेगा। रोहन, मानना पड़ेगा। रोहन मुझे छोड़ दे, रोहन।
वो तो कर क्या रहे? मुझे छोड़ दे रोड रोड क्या कर रहा हूँ से जल चुकी है सर। जला नहीं है, जलाया है उसको। वो शकील ने जलाया उसको। शकील अभी भी हॉस्पिटल का आईसीयू में है। जो भी है पता लगा, मैं तो जैसा मेरा भाई जला वैसा पूरा शहर जलेगा। पक्का केबीसी चालू हो गया। मैं तो बोलता हूँ उसको उठा लेते हैं। पागल है क्या? एक तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, दूसरा अंधा है वो। दुनिया भर के एनजीओज और मीडिया पीछे पड़ जाएंगे। तुमने अपना काम पूरा कर दिया रोहन, अब बस गेट बैक टू वर्क, गेट बैक टू योर लाइफ रोहन। नहीं सर, अभी कुछ काम बाकी है। ये किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। हे रोहन, किससे बातें कर रहा था? चोट कैसे लगी? अरे कुछ नहीं है। अरे सुन, तू आज फिर से स्कूल नहीं गया? अरे अपनी कॉलोनी और नवजीवन सोसाइटी के बीच एक फुटबॉल मैच है, तो उसके प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ। यार परसी, तेरा कुछ नहीं होएगा। और अब क्या? अब प्रिंसिपल से बात कर ले, वरना डांट पड़ेगी। और एक दिन तेरे पापा को अगर पता चल गया तो तू और मैं? अरे कुछ नहीं होगा, प्लीज अपनी कॉलोनी की नाक का सवाल है। चल ठीक है लगा, लेकिन लास्ट टाइम हाँ परसी। हाँ लेकिन आज पर्सी का तबियत ना वो फिर खराब हो गया। हम उसको इतना समझाता है लेकिन देखो नहीं, वो कुछ भी खा लेता है। आज के बाद हम मिस्टेक से भी उसको जंग खाने नहीं देगा।
और स्कूल भी मिस करने नहीं देगा। यस फादर, ऑफ कोर्स फादर, यू डोंट वरी। तो सारे राज तुम्हारी आवाज में हैं। मैं अब तक सोच रहा था कि वसीम उस बंद थिएटर में अमित से मिलने के लिए कैसे आया। उन दोनों के पीने का अड्डा था, लेकिन अमित तो पुणे में था। पुणे से मुंबई कैसे आया वो, जो कि पुणे में ज्यादा सेफ था। किसने बुलाया उसको, कैसे मान गया वो, किसकी आवाज निकाली थी उसे बुलाने के लिए। बहुत टैलेंटेड हो रोहन भटनागर, याद है तुमने मुझसे कहा था कि इस गेम में कोई लाइफलाइन नहीं होगी, लेकिन आज तुमने खुद ही मुझे लाइफलाइन दे दी। 24 घंटे और ये केस क्लोज्ड। थैंक यू सर। किस लिए? 24 घंटों के लिए। लला बड़े, रोहन भटनागर के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल के रख, अर्जेंट है। ओके सर। अमित और वसीम के भी कॉल रिकॉर्ड्स निकाल के मेरी टेबल पे रख, मैं खुद चेक करूंगा। चौकी में कितने लोग हैं? 4 है सर। सब के सब अभी गुरु कृपा कॉलोनी के गेट पे चले आओ। ओके सर। किसी पे नजर रखनी है? यस सर। हाँ अभी। चौबीस घंटे दे तो रहा हूं, लेकिन एक सेकंड के लिए भी तुम हमारी नजर से दूर नहीं जाओगे। चौबीस साहब, मेरे एक सवाल का जवाब देंगे आप सच्चाई से? अगर आप मेरी जगह होते तो वसीम और अमित के साथ क्या करते? मुझे आपके जवाब की जल्दी नहीं है सर, लेकिन जिस दिन आपने मुझे सच्चा जवाब दिया ना, उस दिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। व्हाट्सएप क्लब? हाँ सर। अरे सावधान, नजर हटी घटना घटी। चलो मोबाइल बंद करो, ड्यूटी करो। बरे छिपा उठे झाले। हाँ संभल कर, मैं तेरे को 4 लैंडलाइन नंबर से एसएमएस कर रहा हूँ, सबके एड्रेस निकाल, बहुत अर्जेंट है। सर बलकर, जी सर, मैंने तेरे को 4 नंबर्स दिए थे जी। तूने एक ही का एड्रेस एसएमएस किया, बाकी के कहाँ? साहब वो चारों नंबर का एक ही एड्रेस है। क्या? हाँ मैंने बरोबर चेक किया, चारों के एक ही एड्रेस है। ओ सर, इसीलिए एक ही मैसेज किया। ठीक। ए! अरे अरे अरे, इतनी रात को कहाँ? साहब मुंबई में ये टाइम को रात नहीं बोलते, और वैसे भी कहीं जाना हो तो परमिशन लेना पड़ेगा क्या? केड़ा जवाब नहीं देने का। वो भटनागर का दोस्त है ना तू? हाँ, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। इनमें से रोहन कौन है? साहब ये मेरी फैमिली है, लेकिन मैं आपको इनके चेहरे दिखाता हूँ, क्योंकि आपको गलत फहमी हुई। चलिए वहाँ पे साइड पे। चलो चलिए। उधर परवीन हो गई तसली, अब जाऊं? ये सुबह कितने बजे खुलता है? सुबह 7 बजे खुलेगा साहब। हेलो सर। नाला बड़े, वहाँ सब ठीक है ना? हाँ सर ठीक है सर। बस चौकस रहना, कल सुबह तक ये केस खत्म हो जाएगा। यस सर। भाऊ,
जो भी आला बाहर ड्रिंक का जरूर पूछता तेरे को, पर तू मेरे साथ पिएगा नहीं ना? आज पीऊंगा। क्यों? आज मेरे ऊपर दया आ रही है तेरे को? ऐसी बात नहीं है शेलार, तुम्हारी समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने हमेशा ही तुम्हारी मदद की। उस रेप के बाद जब तुमने मुझे फोन किया तो मैंने उन दोनों को नलावड़े के हवाले कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो उन्हें तुम्हें सौंप देगा। वसीम के केस में चाहता तो तुम्हारे भाई को पुणे से उठा लेता मैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं अपने पत्ते तभी शो करता हूं जब तीनों इक्के मेरे हाथ में होते हैं। अब ना तो तुम्हें जलना पड़ेगा, ना ही शहर को जलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे भाई को जलाने वाला मिल गया है। नाम बता। दाम बता। जितना चाहिए लेके जा, नाम बता। कल सुबह डायरेक्ट हैंड ओवर करूंगा। सकड़ी नहीं आताज। अगर तुम्हें अभी बता दिया तो तुम यकीन नहीं करोगे। कल सुबह गवाह और सबूत के साथ लाऊंगा उसे। वो क्या है ना कि सरकार से प्रमोशन लूंगा और तुमसे पैसा। चीयर्स। मार देता हूं दोनों को, अमित और वसीम को। याद है एक सवाल किया था तुमने मुझसे, कैसे मारा उसको? वसीम को अमित को नहीं, शेलार को। उस कॉलेज से बाहर कैसे निकले? जफर। हाँ रोहन। सुन, मुझे तेरी, परसी और वो सकराम की जरूरत है। सकराम? कौन सकराम? वो जो मच्छरों का धुआं मारता है। ये रात को कहाँ? बकवास करता है तू? अरे बकवास नहीं दादा, सच बोल रहा हूं। वही जिसने तेरे भाई को गोदाम बुलाया था। एक बाप की औलाद है तो नाम बता। रोहन, रोहन भटनागर। तू रुक, वही रुक, वही रुक। तू तेरे घर में आके मारूंगा तुझे मैं। तुम जाके कोई फायदा नहीं है, पुलिस की फील्ड नहीं हुआ। अरे तू कहां है बता? आएगा ना, डरेगा तो नहीं? एड्रेस लिख।
जलार, तुझे यहां क्यों बुलाया जानता है? ये वो दीवारें हैं जहां मैं और सू अपना घर बसाने वाले थे, पर तुम लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। ए भटनागर, साला था खूब साला, छुपने का था तो बुलाया क्यों? चल बाहर आ। ये चाल तो तू चल चुका। तेरे लिए प्लान बी है मेरे पास। तेरे भाई ने भी उस दिन पूछा था, तब नहीं था, आज है। तेरा पूरा प्लानिंग फेल भटनागर। मेरी सुंगली का एक संकेत आणि तेरी कहानी खत्म। पण असा नहीं भटनागर, मेरे अमित को तूने ऐसा मारा, मैं उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। वह सच मारेगा तेरे को। Oh!
आसानी से नहीं मरी थी, इतनी आसानी से तो तू भी नहीं मरेगा। वो मर्डर, ये मर्डर है, पर लगेगा खुदकुशी। तो अमित ने वसीम को मारा और शैलार ने अमित को, और भाई को मारने के गम में शैलार ने खुदकुशी कर ली। वाह, बहुत दिमाग लगाया तुमने रोहन भटनागर। लेकिन हर क्रिमिनल क्राइम करने के बाद कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है, तुमने तो पूरा का पूरा गवाह छोड़ दिया। बस एक घंटा और, यहां से हिलना मत। चौथा ऑप्शन याद है ना सर? मतलब समझ जाएंगे आप। और आगे किसी को समझा नहीं पाएंगे। ये आदमी यहां से फोन करता था कि नहीं? तरह तरह की आवाजें निकालता था? जी सर, मैं देख सकता तो जरूर बताता। परफेक्ट वर्ल्ड सर, सब अंधे। आज बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है। मैं तुम्हारे साथ न सही तो क्या, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी रोहन। अब चलो।